हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस सेकंड में। आज का एबीजी एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एबीजी एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, एबीजी एनालिसिस के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या टेस्ट है एबीजी एनालिसिस करने से पहले। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नॉर्मल रेंजेस क्या क्या है, बाइकार्बोनेट के, कार्बन डाइऑक्साइड के, पीएच के, PaO2 के, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पहचानने में कि कैसे पहचानते हम लोग कि whether the given condition is respiratory और metabolic। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि alkalosis कब होता है, acidosis कब होता है। तो these are the conditions। अब हम लोग देख लेते हैं आज के ABG analysis के second part में हम लोग देखेंगे compensatory mechanism। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमें मेनली हम लोग यह पहचानना रहता है इसमें कि वेदर द गिवन कंडीशन, जो भी तीन कंडीशन हम लोग को मिलेगा वही PaCO2, पीएच और बाइकार्बोनेट, तो उससे हम लोग को पहचानना है कि वेदर द कंडीशन इज कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड। यह मेन हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एबीजी के सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्या, कंपनसेशन मैकेनिज्म। तो कंपनसेशन मैकेनिज्म में हम लोग को क्या देखना है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने तरह के होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट को बोलते हैं मेटाबॉलिक कंपोजिशन, ठीक है, मेटाबॉलिक कंपनसेशन। और सेकंड हमारा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड टाइप ये हमारा हो जाएगा रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। अब मेटाबॉलिक कंपनसेशन में क्या होता है, मेनली कौन रोल प्ले करता है? तो इसमें मेटाबॉलिक है तो किडनी, ओके, इट विल रिलेटिव किडनी, मतलब कि इसमें मेन रोल हमारा कौन प्ले करेगा, किडनी प्ले करता है। और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में मेनली हमारा कौन रोल प्ले करता है? तो लंग्स। तो अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या कि मेटाबॉलिक कंपनसेशन और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन क्या क्या होते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं क्या मेटाबॉलिक कंपनसेशन। तो मेटाबॉलिक कंपनसेशन में मेनली हम लोग देखेंगे क्या कि मेटाबॉलिक कंपनसेशन जो होता है कब ऑकर करता है, जब हमारा जो लंग है इसमें क्या होता है कि लंग इज नॉट फंक्शनिंग वेल, लंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसलिए कब ऑकर करता है, जब हमारा कौन सा ऑर्गन, तो लंग जो है फंक्शनिंग वेल नहीं करता, या फिर लंग जो है वर्क प्रॉपर नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा आप देखते हैं, तो जब लंग जो है अपना वर्क नहीं कर पा रहा या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि हाइपोवेंटिलेशन होगा। उस केस में क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन होगा। तो हाइपोवेंटिलेशन से क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन होगा तो इट मीन स्टार्ट की, अब ये लीड किसको करेगा? अब हाइपोवेंटिलेशन होगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ, इंक्रीज कर देगा CO2। अब इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2, ये जब हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा तो CO2 जो है हमारे बॉडी से या फिर टिश्यू से जल्दी 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 नहीं निकल पाएंगे बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 विल लीड टू द, ठीक है। अब पीएच जब डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज किडनी रोल में, किडनी रोल में आएगा। अब ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि सिक्रीशन ऑफ एच प्लस, ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एच प्लस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये कर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एच प्लस करेगा, एच प्लस करेगा तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि एच प्लस का सिक्रीशन करा रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करा देगा किसका, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन।
अब यदि आप रिऑब्जॉर्प्शन करा देगा बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन का क्या कर देगा, रिऑब्जॉर्प्शन करा देगा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पीएच जो है, पीएच ऑफ ब्लड और बॉडी विल इंक्रीज, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगा H प्लस का, इसके इस कंडीशन में क्या होगा, किडनी रोल में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कराएगा क्या, रेस्पिरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का रीऑब्जॉर्प्शन कराएगा, इससे क्या होगा, पीएच ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, मेटाबॉलिक कंपनसेशन। इसमें किडनी मेन रोल प्ले करता है, इसमें किडनी मेन रोल प्ले करता है जब लंग आर नॉट फंक्शनिंग वेल, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म क्या हो गया, मेटाबॉलिक कंपनसेशन। सेकंड में हम लोग देखेंगे क्या, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इसमें क्या होता है मेनली कि जो हमारा किडनी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, यानी किडनी का जो फंक्शन है, वर्किंग है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होगा, किडनी इज नॉट फंक्शनिंग वेल, इसमें क्या हो जाएगा, किडनी, इसमें क्या हो जाएगा, किडनी इज नॉट फंक्शनिंग वेल, इज नॉट फंक्शनिंग वेल, फंक्शनिंग और वर्किंग दोनों लिख देता। तो इसमें क्या होगा कि किडनी जो है हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में कि ये क्या कराता था, सिक्रेशन ऑफ H प्लस, नॉर्मल कंडीशन सिक्रेशन ऑफ H प्लस कराता था। तो ये क्या कराएगा कि अब इसमें क्या कराएगा कि सिक्रेशन नहीं कराएगा, ये इसका सिक्रेशन नहीं कराएगा और क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, ठीक है, ये लॉस ऑफ H प्लस, ठीक है, लॉस ऑफ H प्लस हो जाएगा, तो लॉस ऑफ H प्लस आयन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगा, किसका, रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट, रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट से क्या होगा, जब बाइकार्बोनेट ज्यादा होने लगेगा तो ये क्या करेगा, पीएच को डिक्रीज कर देगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज इज द पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड और बॉडी। तो ये कहानी हुआ हमारा किसका, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में क्या हुआ, किडनी जो हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किडनी जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ एच प्लस आयन करा देगा, जो कि रिटेन करता है नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद क्या होगा, रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, तो बाइकार्बोनेट जब ज्यादा रिटेन होने लगा हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हमारा पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब मैंने बताया था कि लंग और किडनी जो है दोनों क्या है, घनिष्ठ मित्रता है, तो अब लंग जो है रोल में आएगा, तो रोल में आएगा तो ये क्या कराएगा, किडनी जो है हाइपर वेंटिलेशन कराएगा, हाइपर वेंटिलेशन कराएगा, ठीक है। अब हाइपर वेंटिलेशन कराएगा तो इससे क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट ऑफ, इससे क्या होगा, इट विल लीड टू हाई अमाउंट ऑफ High amount of CO2 exhale from our body. Hyperventilation से क्या होगा कि CO2 का जो मात्रा है वो क्या होगा, ज्यादा निकलेगा हमारे बॉडी से बाहर। तो जब हमारे बॉडी से बाहर ज्यादा CO2 निकलेगा तो ये क्या कराएगा, इट विल लीड टू द, ये क्या कराएगा, पीएच को कम कराएगा, ठीक है, क्या कराएगा, पीएच को क्या कराएगा, इंक्रीज करा देता, ठीक है। तो हाइपर वेंटिलेशन क्या कराएगा, हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, CO2 इंक्रीज होता है, ठीक है। जब CO2 जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ बाहर निकलेगा तो हमारा क्या था, पीएच इसमें कम था, लेकिन अब क्या होगा, पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा इस तरह से,
ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इसमें क्या होता है, लंग मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, और मेटाबॉलिक कंडीशन में किडनी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था हमारा दो टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे कि अनकंपनसेटेड है, कंपनसेटेड है या फिर पार्शियल कंपनसेटेड है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या गोल्स ऑफ एबीजी एनालिसिस, क्या क्या गोल्स हमारे। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था क्या, रेस्पिरेटरी में एंड और मेटाबॉलिक, तो कैसे पहचानते हैं रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक, ये हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है। एसिडोसिस है कि अल्कोलोसिस, ये भी हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है। थर्ड हमारा है कंपनसेशन मैकेनिज्म। तो कंपनसेशन मैकेनिज्म में पहला हम लोग को तीन कंडीशन मिली देखने को मिलेगा, फर्स्ट हमारा क्या अनकंपनसेटेड, सेकंड हमारा पार्शियल कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड। तो अनकंपनसेटेड में क्या होता है, इन अनकंपनसेटेड कंडीशन इस कंडीशन में क्या होना कि अनकंपनसेटेड कंडीशन में क्या होता है कि क्या होगा कि इसमें जो है बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल लेवल है, बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो क्या रहेगा, नॉर्मल होगा, ओके। तो अनकंपनसेटेड कंडीशन में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल जो है नॉर्मल रहता है। तो नॉर्मल लेवल कितना होता है बाइकार्बोनेट का, HCO3 का, तो ये कितना होता है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब फुली कंपनसेटेड में क्या होगा, फुली कंपनसेटेड में क्या होगा, फुली कंपनसेटेड कैसे पहचानते हैं, तो फुली कंपनसेटेड में क्या होगा कि पीएच जो होगा हमारा नॉर्मल होगा, यानी पीएच ऑफ ब्लड क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड कितना होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ पीएच ऑफ ब्लड नॉर्मल कितना होता है, 7.35 to 7.45 ना, ये होता है हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ पीएच। अब पार्शियल कंपनसेटेड में क्या होगा, पार्शियल कंपनसेटेड में होगा, पार्शियल कंपनसेटेड में क्या होगा कि पार्शियल कंपनसेटेड में पीएच जो होगा नियर टू नॉर्मल रहेगा, नियर टू नॉर्मल, ठीक है। तो ये तीन तरीका है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वेदर द गिवन कंडीशन इज अनकंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड, ठीक है। तो ये हम लोग तीन तरीका है। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के तौर पे कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे कैसे हम लोग आगे ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे अनकंपनसेटेड कंडीशंस को। फर्स्ट हमारे एग्जांपल्स क्या है, फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या कि पीएच हमारा कितना दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल में 7.15 हमारा पीएच है, और PaCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना 54 है, और बाइकार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट हमारा 24 है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नॉर्मल वैल्यू लिख लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है 7.35 to 7.45, और PaCO2 कितना होता है 35 to 45 mm of Hg, और बाइकार्बोनेट आयन का कितना होता है 22 to 26 mEq/L। These are the normal values. अब हम लोग देख लेते हैं क्या, मैंने बताया था वही रूल फॉलो करेंगे। तो पीएच क्या हो रहा है, पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब पीएच कम होता है नॉर्मल से तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, एसिडोसिस। कौन सा कंडीशन हो जाएगा, एसिडोसिस, यानी एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कि पीएच तो कम हो रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है और पीएच कम हो रहा है, इट मींस दैट कि ये कौन से मैनर में जा रहा है, रिवर्स मैनर में जा रहा है। तो रिवर्स में जा रहा है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी। कौन सा कंडीशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, रेस्पिरेटरी। ये कौन सा कंडीशन हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
अब हम लोग देख रहे थे बाइकार्बोनेट का लेवल। तो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इट मीन्स दैट कि नॉर्मल कब होता है? जब नॉर्मल कब होता है? जब अनकंपनसेटेड होता है। अनकंपनसेटेड होता है तो क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ये कैसा हो जाएगा केस हमारा? हो जाएगा ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और ये कैसा हो जाएगा? अनकंपनसेटेड, क्योंकि बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में क्या हो रहा है? हमारा पीएच आल्सो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब देख लेते हैं क्या पीएससीओ2 कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, पीएससीओ2 क्या हमारा 45 है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज में। ओके, कोई बात नहीं। और बाइकार्बोनेट भी क्या हमारा? नॉर्मल रेंज में। लेकिन देखेंगे तो पीएससीओ2 जो है अक्रॉस बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? हमको लग रहा है कि ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के कगार पे ये एक और पॉइंट इंक्रीज करेगा तो ये जनरली इंक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और हमारा बाइकार्बोनेट कैसा है? नॉर्मल है। ये कैसा कंडीशन हो जाएगा? अगेन ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी, क्या हो जाएगा? रिवर्स कंडीशन में है तो रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है, एक बढ़ रहा और दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी। अब पीएच हो रहा है हमारा क्या? कम, तो ये हो जाएगा एसिडोसिस। अब ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, या फुली कंपनसेटेड है, या पार्शियल कंपनसेटेड है? तो ये अनकंपनसेटेड होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो क्या है? नॉर्मल है। तो जब बाइकार्बोनेट का लेवल जो है नॉर्मल रहता है, इट मींस दैट कि किडनी अपना रोल प्ले नहीं किया, तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा? अनकंपनसेटेड में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अनकंपनसेटेड। आई होप कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है? पीएच क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पीएच बढ़ गया। पीएससीओ2 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पीएससीओ2 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। पीएससीओ2 क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या है? बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा? एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी। अब पीएच बढ़ रहा है यानी 7.45 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्कलोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट नॉर्मल लेवल पे। तो बाइकार्बोनेट जब नॉर्मल लेवल पे हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अनकंपनसेटेड हो जाता है। ठीक है, और ये फोर्थ एग्जांपल है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे वेदर इट इज अनकंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कोलोसिस, क्या है ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। अब हम लोग देख लेते हैं क्या पार्शियल कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड के एग्जांपल्स अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या पार्शियल कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड के एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि पीएच क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। और पीएससीओ2 यानी पीएससीओ2 भी हमारा क्या हो रहा है? पीएससीओ2 का नॉर्मल वैल्यू कितना? 35 to 45। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा हो जाएगा? सेम ऑर्डर में जा रहा है, यानी एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक हो जाएगा। अब पीएच को हम लोग देख रहे हैं तो पीएच भी घट रहा है, तो मेटाबॉलिक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब कंपनसेटेड में देखिए, कंपनसेटेड होगा, अनकंपनसेटेड होगा या फिर पार्शियल कंपनसेटेड होगा। तो पीएच क्या हो रहा है? 35 से थोड़ा सा कम है, यानी अगर ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है, जब ये नॉर्मल की तरफ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा क्या? पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? पार्शियल कंपनसेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते थे सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में भी क्या हो रहा है हमारा? पीएच कम हो रहा है। ठीक है, पीएससीओ2 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और तो पीएससीओ2 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और पीएच क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो इस कंडीशन में आ जाएगा रिवर्स कंडीशन। तो रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा क्या? रेस्पिरेटरी।
रिवर्स कंडीशन हो गया, यानी ये कौन से में आ जाएगा, इस कैटेगरी में, रेस्पिरेटरी में। अब एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस ये देख लेते हैं, एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस इसमें देख लेते हैं, ये क्या है, रेस्पिरेटरी 3.5 से कम है, यानी पीएच इसका क्या है 3.7.35 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। और नियर पीएच क्या है हमारा, नियर टू नॉर्मल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्शियल पार्शियल कंपनसेटेड, है ना। इस तरह से हम लोग पहचानते हैं, ठीक है, कि कैसे पार्शियल कंपनसेटेड है, फुली कंपनसेटेड है या फिर अनकंपनसेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो रहा है 7.43, यानी जब नॉर्मल रेंज में रहेगा तो हमारा मार्किंग क्या हो जाएगा, मार्किंग हो जाएगा हमारा 7.40, जब नॉर्मल रेंज में हो जाएगा तो हम लोग मार्किंग का लेवल ले लेंगे क्या, 7.40 हमारा मार्किंग लेवल हो जाता है, अगर 7.40 से कम है तो वो हो जाएगा एसिडोसिस, ठीक है, और 7.40 से ज्यादा है इट मींस दैट कि वो हो जाएगा हमारा अल्कोलोसिस। तो पीएच देख लेते हैं, तो पीएच क्या रहा है 7.40 से क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है ये देख लेते हैं, तो पीएच लगभग इंक्रीज होने के कगार पे, यानी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, और PSCO2 हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, PSCO2 हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो PSCO2 हमारा डिक्रीज हो रहा है और पीएच हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स कंडीशन, यानी इट इज रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशन। अब ये क्या है, एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है, तो किसके तरफ जा रहा है, 7.45 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा, किस कंडीशन में आ जाएगा, अल्कोलोसिस कंडीशन में आ जाएगा। और पीएच किस रेंज में है, नॉर्मल रेंज में है, तो नॉर्मल रेंज में है, तो ये हो जाएगा फुल्ली कंपनसेटेड, ये क्या हो जाएगा, फुल्ली कंपनसेटेड, ओके। अब सेकंड हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, तो फिर अगेन हमारा पीएच क्या है 7.43 है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल रेंज में है, लेकिन किधर की ओर जा रहा है, इंक्रीज होने की ओर जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। और PSCO2 लेवल भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी सेम कंडीशन में जा रहा था, सेम कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक हो जाएगा, मेटाबॉलिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब पीएच क्या है हमारे, नॉर्मल रेंज में है, दैट इज 7.35 to 7.45, ये क्या हो जाएगा, फुल्ली कंपनसेटेड हो जाएगा, इस तरह से हम लोग पहचानते हैं क्या, कि फुली कंपनसेटेड है या पार्शियल कंपनसेटेड है या फिर अनकंपनसेटेड। तो अगेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अनकंपनसेटेड कब होगा, अनकंपनसेटेड तब होता है जब बाइकार्बोनेट यानी किडनी रोल में नहीं आया, जब किडनी रोल में नहीं आया तो HCO3 का लेवल कितना रहेगा, नॉर्मल रहता है, ठीक है। फुली कंपनसेटेड में कब होता है, फुल्ली कंपनसेटेड में कब होगा, जब पीएच नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, ठीक है, और पार्शियल कंपनसेटेड नियर टू नॉर्मल, जब पीएच पार्शियल कंपनसेटेड कब बोलेंगे, जब पीएच नियर टू नॉर्मल रहेगा, कंपनसेटेड कब बोलेंगे, जब पीएच नियर टू नॉर्मल। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि देखिए बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो रहा है, बहुत बढ़ चुका है, तो बाइकार्बोनेट का लेवल जब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ताकि तो किडनी अपना काम कर चुका है, किडनी इस केस में क्या होता है कि किडनी अपना काम कर चुका है, इस केस अनकंपनसेटेड कंडीशन में क्या होता है कि किडनी अपना काम अभी स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। पार्शियल कंपनसेटेड में क्या होता है, किडनी अपना काम कर रहा है, और फुली कंपनसेटेड में अपना काम कर चुका है और पीएच को क्या बना चुका है, नॉर्मल बना चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में, थैंक यू।